पड़ता है, और दो हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनमें से एक एसटीएफ का सिपाही है और एक गाजियाबाद पुलिस का सिपाही है। बहुत अच्छा ऑपरेशन ये एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस का कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें सकुशल बरामदगी जो है, जो अपहरक थे एचसीएल में काम करते थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी बरामदगी बदमाशों का पता लग पाया है अभी तक। अभी तो पूछताछ की जा रही है, जैसे प्रथम दृष्टि स्त्री बात संज्ञान में आई, पहले भी जिन्होंने रैनसम के लिए विज्ञापन किए डिटेल में इंटरोगेशन हुआ उसमें। हमारे साथ जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, सकुशल बरामद कर लिया, क्या कुछ कहा जा रहा पुलिस को, आखिर ब्रेक थ्रू मिला है? जी बिल्कुल, सर आपको बता दें गाजियाबाद पुलिस अब पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर आ गई है। गाजियाबाद के थाना सिहानीगंज इलाके में राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीती 23 तारीख को अगवा किए गए स्टील के इंजीनियर राजेश को इन बदमाशों ने अगवा कर छुपा रखा था और उसके परिवार से तकरीबन 50 लाख की फिरौती निरंतर मांगी जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश राजनगर एक्सटेंशन में है, पुलिस ने रोकने चाहा तो तभी इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर कई राउंड फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने गोली चलाई तो हालांकि पुलिस कर्मी भी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। हालांकि ये जो बदमाश है फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिए हैं और राजीव को सकुशल गाजियाबाद के पोंच इलाके इंद्रपुरम से बरामद कर लिया गया है। ये बदमाशों का जो ग्रुप था, ये कौन सा गैंग है, कुख्यात गैंग है, कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिनके खुलासे की उम्मीद है की गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, जमान आपको बता दें बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं और ये तमाम एजेंसियां समेत कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये बदमाश फिरौती, रंगदारी, हत्या, हत्या जैसे कई जघन्य अपराध कर चुके हैं और अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बड़ा खुलासा किया गया है, गाजियाबाद पुलिस और एसटीएफ की साझा टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है और राजीव जो इनके एसटीएफ के इंजीनियर है उन्हें सकुशल बरामद किया है। तो गाजियाबाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, जो सकुशल एक तो अपहरण करता को भी पकड़ लिया है पुलिस ने और जिसका अपहरण हुआ था यदि राजीव जो एसटीएफ का इंजीनियर बताया जा रहा है, जिसके परिवार से निरंतर 17 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, वो भी सकुशल बरामद कर लिया है। जी कौन थे आखिर ये लोग, इस गैंग में कितने लोग ऐसे हैं जो शामिल हैं, लेकिन जिस शख्स की किडनैपिंग हुई थी वो शख्स कौन है, आखिर किसी की साजिश थी या सिर्फ रैंसम के लिए फिरौती के पैसों के लिए अपहरण किया गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो गैंग है और दिल्लीसिया समेत कई इलाकों में ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं कि पिछले काफी समय से और पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश थी। आपको बता दें कि जिसका अपहरण हुआ है उसका नाम राजीव बताया जा रहा है, वो नोएडा के एसटीएल में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और ये अपने आप में एक बड़ा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस पूरे गैंग को हिरासत में लिया है। हालांकि कई और पहलुओं पर अभी जांच होनी है, मतलब इनके जो और साथी हैं या गाजियाबाद के पौच इलाके इंद्रपुरम में जिस घर में राजीव को सकुशल बरामद किया गया वो घर किसका है, वो घर अगर रेंट है तो किसका रेंटेड मकान दिया गया था, कब दिया गया था, किसने लिया था, किसके कागजात